सो है गाइस, दिस इज प्रशांत। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है हमेशा की वीडियो से। तो आज की वीडियो में हम किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में बात करेंगे कि उसमें टोटल कितने वेरिएंट आते हैं एंड कौन से वेरिएंट में क्या फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं, और उस पर जो प्राइस हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसके हायर वेरिएंट्स के लिए, तो उसमें जो फीचर्स हमें मिलते हैं क्या वो वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, एंड एंड में देखेंगे कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी में कितने कलर ऑप्शन प्रोवाइड करती है बैलेनो हमें। तो बैलेनो में टोटल हमें 7 कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है नेक्सा सिग्नेचर ब्लू कलर, एंड सीरियसली बताऊं ना, ये गाड़ी इसी कलर में जानी जाती है। देन अगेन जो नेक्स्ट कलर है वो आता है वाइट, ग्रे, ब्लैक, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट इसमें ब्लैक है, और आपके पास आते हैं ब्राउन और रेड का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। तो गाइस, बैलेनो का जो सिग्मा वेरिएंट है, बेस वेरिएंट आता है, उससे सबसे पहले शुरू करेंगे, और इसके एक्सटीरियर से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो आपको हैलोजन वाले हेडलैम्प मिलेंगे। फॉग लैम्प इस वेरिएंट में मिसिंग है, क्योंकि यार बेस वेरिएंट है तो कंपनी कुछ तो मिस करेगी ना। आपको टॉप वेरिएंट जैसे यहाँ पे सेम ग्रिल मिल जाती है, बट इसके अंदर देखो वेव लाइक स्ट्रक्चर भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे क्रोम गार्निश इसमें मिस है। एंड फ्रंट से ओवरऑल आपको लगभग सेम मिलेगी, बस 360 डिग्री कैमरा वो यहाँ पे मिसिंग है इसमें। साइड प्रोफाइल पे जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको 15 इंचेस के स्टील मिल जाएंगे सिल्वर कलर के अंदर, लेकिन आप देखोगे आपको यहाँ पे व्हील कवर नहीं मिलेंगे। इसका जो सेकंड बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको व्हील कवर मिलेंगे, एंड बाकी जो दो वेरिएंट है उसके अंदर अलॉय व्हील्स अवेलेबल हो जाएंगे, पर वहाँ भी एक ट्विस्ट है वो आगे आपको बताऊंगा। एंड आप देखोगे फेंडर पे आपको 10 इंडिकेटर मिलेंगे, लेकिन एक और चीज नोटिस करो कि यहाँ पे आपको जो फोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर में नहीं मिलेंगे, आपको अनपेंटेड मिलेंगे। एंड बैक प्रोफाइल पे जैसे आप आते हो तो आपको सेम टॉप मॉडल जैसी एलईडी टेल लैंप मिलेंगी, आपको टॉप मॉडल जैसा स्पॉइलर मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ भी रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो मिसिंग है, एंड बाकी जो बैक प्रोफाइल है पूरी टॉप मॉडल जैसी आपको इसमें मिल जाएगी। तो अब गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। इंटीरियर में सबसे पहले अगर मेरी नज़र आती है डैशबोर्ड पे, तो भाई डैशबोर्ड एकदम बेसिक है इसमें, लेकिन एक चीज़ है कि आपको ड्यूअल कलर की थीम मिलेगी। आपको जो डोर पैनल्स है वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा फैब्रिक के साथ, फैब्रिक की आपको सीट मिलेगी, लेकिन देखो सीट है वो आपकी हाइट एडजस्टेबल नहीं है। एंड सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो मैं इसे देखता हूँ तो टॉप मॉडल जैसा दिखाई देता है, बट इसकी जो MID आपको छोटी सी मिलेगी और वो ग्रे कलर की थीम में, मतलब कलरफुल आपको नहीं मिलेगी। स्टेयरिंग व्हील है वो एकदम बेसिक है, उस पर आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा किसी भी तरह का, ना क्रूज कंट्रोल, ना मीडिया कंट्रोल, ना टेलीफोनिक कंट्रोल, तो कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन आपको इसके अंदर चारों पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, रियर डिफोगर मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, बट रियर में AC नहीं मिलेगी। एंड अब आते हैं ऑडियो इंफोटेनमेंट पे, तो सॉरी यार वो इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे एकदम खाली गत्ता मिलेगा, आपको भाई मतलब एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ेगा इंफोटेनमेंट के नाम पे। तो इसमें स्पीकर्स ना इंफोटेनमेंट कुछ भी सिस्टम नहीं है, सिर्फ वायरिंग छोड़ी हुई है, उन कपलर्स में आपको लगवाना पड़ेगा आफ्टर मार्केट, या फिर शोरूम से भी एसेसरीज लगवा सकते हो। एंड अब बारी आती है सेफ्टी की। तो देखो बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता है एज यूजुअल मारुति की कैसी है, तो सेम वो मिलेगी। इसके अंदर आपको जो टेक्निकल फीचर्स है वो बता देता हूँ कि सेफ्टी के लिए क्या मिलते हैं। ESP विथ हिल होल्ड, आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलेगा, मतलब 3-point सीट बेल्ट मिल जाते हैं, साथ में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलेगा, ब्रेक असिस्ट हो जाएगा। एंड आपके इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में 2 एयरबैग्स है वो मिलेंगे। और बात करें अगर सुजुकी कनेक्ट की, तो उसका कोई भी फीचर बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। सो गाइस, अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड बेस वेरिएंट यानी कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसके ऊपर। लेकिन एक चीज़ जो शायद ट्रांसमिशन वाली चीज़ मैंने मिस कर दी थी, कौन से वेरिएंट में क्या ट्रांसमिशन आता है। तो जो रिसेंटली अभी मैंने आपको बेस वेरिएंट एक्सप्लेन किया था सिग्मा वेरिएंट, तो उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, एंड बाकी सभी में आपके पास जो ऑटोमेटिक AMT एंड मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन अवेलेबल हो जाते हैं। और रही बात CNG की, CNG आपको कौन कौन से वेरिएंट में मिलेगा, तो बीच के जो 2 वेरिएंट है उसके अंदर आपको CNG अवेलेबल हो जाती है, बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में CNG नहीं है। रही बात देखो CNG में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देने की, तो काफ़ी कम कंपनी है, शायद मैंने तो आज तक कभी देखा भी नहीं है कि CNG में कोई कंपनी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे रही है, पर मे भी हो सकता है कोई एक आध निकल आए, पर मैंने नहीं देखा ऐसा। जो डेल्टा वेरिएंट है उसके एक्सटीरियर की बात करें, तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपको इसके अंदर फ्रंट में सेम लुक मिलेगा, सिर्फ एक जो क्रोम एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको ओवरऑल सेम मिलेगी। आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे वही हेलोजन वाले, आपको यहाँ पे नेक्सा वेव ग्रिल मिल जाती है, और अगर आप साइड प्रोफाइल पे देखोगे तो आपको अब यहाँ पे ORM पे टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, साथ में नीचे की तरफ आपके जो एलॉय व्हील्स हैं उनके ऊपर व्हील कवर ऐड हो जाएगा, लेकिन मिलेंगे स्टील रिम वाले वही 15 इंच के। साथ ही में अब आपको इसके अंदर बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेंगे। रियर प्रोफाइल में देखोगे तो वहीं आपको टॉप मॉडल वाला स्पॉइलर LED टेल लैंप मिलेंगी, एंड ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। तो अब आते हैं डेल्टा वेरिएंट के इंटीरियर पे। तो इंटीरियर में जो बेस वेरिएंट में चीज़ें थी उसके अलावा क्या क्या मिलेगा वो बताता हूँ। तो इसके अंदर आपको एक रियर में पार्सल ट्रे है वो ऐड हो जाती है, आपको स्टीयरिंग माउंटेड जो ऑडियो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं,
साथ ही के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ORM है इलेक्ट्रिक इंडिकेटर भी मिलेगा, और इस बार आपको जो ORM और जो डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर में मिल जाएंगे, मतलब बेस वेन में आपको ऑब्वियसली उनके ऊपर अनपेंटेड मिलते थे। और अगर अब बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो यहाँ पे आपको 7 इंच की इंफोटेनमेंट जो स्क्रीन है वो मिल जाती है आपको। इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी अब अवेलेबल हो जाता है। साथ में गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे, ट्विटर्स इसमें नहीं है। और बात करें अगर सेफ्टी की तो इस गाड़ी में भी आपको फ्रंट में 2 एयरबैग्स वो मिल जाते हैं। तो अब आते हैं इस गाड़ी के नेक्स्ट वेरिएंट पे जो कि आता है जेटा, मतलब हम कह सकते हैं कि सेकंड टॉप वेरिएंट। तो उसमें क्या मिलता है, उसमें आपको मिलेगा ऑटोमेटिक हेडलैम्प विद फॉलो मी फंक्शन। तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक हेडलैम्प आ जाते हैं, फॉलो मी फंक्शन आ जाता है, तो मतलब की से प्रेस करने पर उसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। साथ में आप देखोगे कि आपको जो एलॉय व्हील्स है वो अब सिल्वर कलर में देखने को मिलेंगे। टॉप वेरिएंट में आपको इनके ऊपर मशीन कट मिल जाता है। साथ में आप देखोगे आपके जो हेडलैम्प्स है वो अब LED आ जाते हैं। अब तक हमें हेलोजन मिलते थे बट अब यहाँ पे LED अवेलेबल हो जाते हैं। साथ में आपको नेक्सा वेव ग्रिल मिलती है, उस पर क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। अभी आपकी गाड़ी के जो डोर हैंडल है उनके ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम देखने को मिलेगा। साथ में जो एक यूनिक चीज़ है वो मिलेगी आपको, जो गाड़ी का जो डिक्की है उसके ऊपर क्रोम गार्निश मिल जाएगी। एंड अब आ रही है इस गाड़ी के इंटीरियर की, जहाँ आप देखोगी आपको अब इसके अंदर यहाँ पे जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो मिल जाता है। साथ में इसके अंदर आपको 60-40 स्प्लिट सीट है वो मिल जाती है। अब यहाँ पे आपके पास देखो फ्रंट फुटवेल लैम्प मिलता है, सुजुकी कनेक्ट का ऑप्शन अब यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, मतलब आप मोबाइल से काफ़ी सारे फीचर गाड़ी के एक्सेस कर सकते हो। साथ में आप देखोगे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिल जाती है फ्रंट में और रियर दोनों में। आपकी जो ड्राइवर साइड वाली सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल के साथ मिलती है। साथ में आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन है वो भी हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कीलेस एंट्री मिल जाती है, पैसिव एंट्री का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास रियर वाइपर अवेलेबल हो जाता है, एंड आपका जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो कि 17 सेंटीमीटर का आता है। आपको यहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगी, एप्पल मतलब कि जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो उसकी वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है। आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, 2 ट्विटर मिलेंगे, और यही सेम चीज़ आपको टॉप वेरिएंट में मिलती है, बस वहाँ पे जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी मतलब वो आपको 12.5 इंच का मिल जाता है वहाँ पर। अब बारी आती है एयरबैग्स की, तो टॉप मॉडल की तरह इस वेरिएंट में भी आपको 6 एयरबैग दिए गए, मतलब कि 2 यहाँ हो जाते हैं और साइड कर्टन एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो टोटल आपको इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो डेल्टा की तरह इस वेरिएंट में भी आपको CNG का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अब आते हैं इस गाड़ी के मतलब हमारा जो फाइनल वेरिएंट है टॉप वेरिएंट अल्फा, जिसमें ऑटोमेटिक AMT दोनों मिल जाते हैं, CNG का ऑप्शन यहाँ नहीं है। एंड एक्सटीरियर से शुरू करें तो यहाँ पे आपको मतलब सारी चीज़ें मिलेगी, आपको LED हेडलैम्प मिलेंगे, आपको यहाँ पे फॉग लैम्प मिल जाते हैं, क्रोम गार्निश मिल जाती है ग्रिल पे और नीचे फॉग लैम्प पे। एंड आप चीज़ देखोगे कि 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, आपको इंटीरियर में हेडसेट डिस्प्ले मिलेगी, ORM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, 10 इंडिकेटर मिलेगा। ये साइड प्रोफाइल तो वहाँ पे अब आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलेंगे, डायमंड कट के साथ मिलेंगे, मतलब मशीन कट मिलेगा, डुअल टोन आएंगे। एंड अब आपके जो डोर हैंडल है वो क्रोम में आएंगे, आपका जो ये जो मिरर्स है वो सभी UV कट वाले आएंगे, आपको हेडसेट डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा जैसे कि मैंने बताया। बैक प्रोफाइल से देखें तो आपको क्रोम गार्निश मिलेगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रियर कैमरा मिल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है एक्सटीरियर में। तो अब टॉप वेरिएंट में अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे इसका जो डैशबोर्ड है इतना प्यारा निकल के आता है, मतलब हर एक चीज़ मिलती है आपको, कलरफुल डुअल टोन के साथ मिलता है, सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। एंड गाड़ी की देखो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हैंडमेड वर्क भी किया गया है, कुछ जो लेदर वर्क है वहाँ पे हैंडमेड वर्क देखने को मिलेगा। आपको सारे पावर विंडो कंट्रोल मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, जैसे कि एज यूजुअल आपको पता है टॉप वेरिएंट्स में जो चीज़ें मिलती है। एंड एक्स्ट्रा इसमें क्या क्या मिलता है उस पर फोकस करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो स्टेयरिंग व्हील है वो अब आपको लेदर रैप मिलेगा यहाँ पे, एंड बाकी सभी फीचर्स वही मिलेंगे जो जेटा वेरिएंट में थे। एंड बात करें अगर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, तो वहाँ आप देखोगे इसके अंदर आपको हेडसअप डिस्प्ले मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल हो जाते हैं, आपके पास ऑटो डिमिंग IRVM है वो आ जाता है, साथ में आपको ऑटो फोल्डिंग ORM मिलते हैं। अब तक ऑटो फोल्डिंग नहीं थे पर यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग अवेलेबल हो जाते हैं। आपको को ड्राइवर वैनिटी मिरर मिल जाता है, मतलब कि आपका जो को ड्राइवर उसके लिए वैनिटी मिरर यहाँ से अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अब आते हैं ऑडियो एंड इंफोटेनमेंट पे, तो जहाँ आप देखोगे कि अब आपको 12.5 इंच की जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो मिलेगी, सेम आपको जेटा वेरिएंट की तरह 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर मिलेंगे, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है,
इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी के मामले में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स आपके सामने रखे, हमने हर एक वेरिएंट को बारीकी से कंपेयर किया कि किसमें क्या चीज एक्स्ट्रा मिलती है। मेरा मानना ये कि इस गाड़ी का जो जेटा वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसके अंदर हमें जरूरत की सारी चीजें मिल जाती है, जो फालतू चीजें वो नहीं मिलती। जैसे कि हेडसअप डिस्प्ले हो गया, सबसे बकवास रद्दी चीज है, किसी काम की नहीं आती, वो इतना सा कांच निकलेगा जिसमें ढंग से दिखता भी नहीं, ऐसे ऐसे देखेंगे तो क्या ऐसे करके देखेंगे, तो मतलब वो एक बकवास चीज़ देगी। बाकी जो 360 डिग्री कैमरा है, हाँ वो एक सेफ्टी फीचर वो आप मिस करोगे, लेकिन टॉप वेरिएंट की तरह आपके पास यहाँ पे साइड कर्टन एयरबैग्स आ जाते हैं, मतलब टोटल 6 एयरबैग मिलेंगे आपको। टॉप वेरिएंट की तरह इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा मिलेगा, बस 7 इंच का इंफोटेनमेंट आएगा, बट आपको स्पीकर्स एंड ट्विटर्स पूरे सेम मिलेंगे। साथ में आपके पास CNG का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। सो आई थिंक इसका जो थर्ड टॉप वेरिएंट है ना, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी बेसिक चीज़ मिलती है। इवन आपकी गाड़ी का जो लुक है वो भी सुधर जाता है, क्योंकि एलॉय व्हील्स भी ऐड हो जाते हैं। बाकी अगर आपको डीलरशिप पे अगर बात करनी हो कौन से वेरिएंट की क्या प्राइस है, तो उसके लिए स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।